वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2011 में आई शार्क नाइट 3D के बारे में बात करेंगे। वेल के एक अमेरिकन हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था डेविड एलिस ने। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। So, all right, movie की starting. एक बहुत ही intensified and typical scene को दिखा कर होती है जिसमें हम सभी ही एक क्रिस्टल नाम की बड़ी सी लेक के पास एक newly married couple को देख पाते हैं। हस्बैंड का नाम डेनियल और इसकी वाइफ का नाम सोफी होता है और ये दोनों ही इस लेक के पानी के अंदर स्विमिंग कर रहे होते हैं, जो कि सुनने में और देखने में कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर हैरान कर देने वाली चीज ये थी कि इस लेक के अंदर एक बड़ी ही खतरनाक सी दिखने वाली शार्क भी मौजूद थी, जिसके बारे में सोफी और डेनियल बिल्कुल ही अनजान थे और बस मजे में स्विमिंग कर रहे थे। सो मीनवाइल अब काफी देर तक स्विमिंग करने के बाद ये कपल बस पानी में ही खड़े होकर एक दूसरे के साथ हंसी मजाके कर रहा होता है। तो तभी ही वही खतरनाक से दिखने वाली शार्क वो सीधे तैरते हुए डेनियल और सोफी की तरफ ही आ जाती है, जिधर वो शार्क इन दोनों को ही पानी के अंदर खींचकर बुरी तरीके से उनके हाथ पैरों को काट भरे में से इनको चबाकर खाकर मार डालती है। और बस अब सीन सीधा उस क्रीपी इंसिडेंट से चेंज होकर सीधा एक महीने बाद कुछ रिसेंटली ग्रेजुएट हुए कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करता है, जिन सभी के नाम सारा, उसका बॉयफ्रेंड पार्कर, मैथ्यू, रैंडी, मैक्सी एंड माइकल को देख पाते हैं, जो कि ये सभी ही इन चल रहे समर को एक्साइटिंग बनाने के लिए एंड ऑफ कोर्स अपने ग्रेजुएशन को एंजॉय करने के लिए इस आने वाले वीकेंड, जो कि सरप्राइजली आज ही था, टाउन के ही एक लोकल लेक के पास जाकर पूल पार्टी करने के बारे में सोचते हैं, ताकि ये सभी ही एंजॉय कर अपने इस समर को एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से वेल क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करके फैसिनेटिंग एंड मेमोरेबल बना सके। तो बस इसलिए रैंडी और पार्कर ने एक हफ्ते के लिए ठीक उसी ही लेक के पास, जिधर अभी ये सभी ही कॉलेज के स्टूडेंट जा रहे थे, एक बड़ा सा केबिन भी बुक कर लिया होता है, ताकि इन सभी को रहने और खाने में कोई भी परेशानी ना आ सके। तो अब इतना कुछ अच्छा और सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चलने के बाद दिक्कत कहाँ पर आती है? तो वेल मेन दिक्कत अब आती है। अभी इस समय की सभी ही कॉलेज के स्टूडेंट्स जिस लेक के तरफ पार्टी के लिए जा रहे होते हैं वो दरअसल वही लेक होती है, वही क्रिस्टल नाम की लेक होती है, जिसमें हम सभी ने मूवी की शुरुआत में सोफी और उसके बॉयफ्रेंड डेनियल को नदी के अंदर एक शार्क के जरिए बहुत ही बुरी तरीके से मरते हुए देखा था। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये सभी ही लोग उस बात से और खास तौर की उस जगह की पास्ट हिस्ट्री से बिल्कुल ही अनजान थे, ना जानते हुए कि उस लेक पर पहले किसी का स्विमिंग वगैरह करते वक्त अनफॉर्चुनेटली कोई मर भी चुका था। बट एनी वे समहाउ सीन अब ठीक इधर से चेंज होकर उसी ही लेक के तरफ फोकस करता है, जिधर वो सभी ही स्टूडेंट्स फाइनली लेक पे पहुंचते ही अपने कपड़े वगैरह चेंज कर बस एक बोट के अंदर बैठकर पूरी नदी को ही घूमकर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो बोट के ठीक पीछे ही रस्सी के जरिए बंधा हुआ पार्कर स्टंट करते हुए सर्फिंग ही कर रहा था, तो सर्फिंग के दौरान अचानक से उसका बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा पानी में जाकर गिर जाता है, जो कि देखने में कोई बड़ी बात नहीं थी और एक नॉर्मल सी ही बात थी। लेकिन अब हैरान कर देने वाली चीज ये थी कि पार्कर वो जैसे तैसे पानी से टहरते हुए बाहर ही आता है, तो हम सभी ही उसका दाया हाथ ठीक इसके कंधे तक भयानक रूप से कटा हुआ देख पाते हैं, जो कि ये कोई सर्फिंग के एक्सीडेंट के दौरान नहीं बल्कि शार्क के काटने से कटा हुआ था। तो अब इस दिल दहला देने वाले सीन को देख सारा, रैंडी, माइकल और मैक्सी वो पार्कर की ऐसी हालत को देख तुरंत उसके कटे हुए हाथ में पट्टी वगैरह कर जैसे तैसे बोट के अंदर बिठा कर पास के एक लोकल हॉस्पिटल के तरफ लेकर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे पीटर की बॉडी से खून बह रहा था और इसकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। सो एनीवे सब ये सभी ही स्टूडेंट्स बोट के अंदर बैठकर हॉस्पिटल ही जा रहे थे, तो उसी ही दौरान इन सभी की बोट नदी के ठीक नीचे ही मौजूद एक बड़े से पत्थर से टकरा जाती है, तो जिसके चलते ठीक पीछे ही बैठी सारा, जिसका बैलेंस अचानक से बिगड़ गया था, वो सीधे नदी में जाकर गिर जाती है। तो अब इस अनएक्सपेक्टिंग सीन को देख बोट के अंदर बैठे वो सभी ही स्टूडेंट्स वो सारा को ऐसे नदी में गिराते, उसके तरफ एक रस्सी फेंक कर बस नदी से खींचकर बाहर निकालते। तो तभी ही उससे पहले वही खतरनाक से दिखने वाली शार्क जिसने सोफी और डेनियल को मारा था वो एकदम से सारा के पीछे आ जाती है, इसके चेस्ट को फाड़ बुरी तरीके से इसके बॉडी के टुकड़े कर ब्यूटुरल तरीके से खाकर मार डालती है। तो अब बोट के अंदर बैठे वो सभी ही लोग सारा को इस तरीके से अपनी आंखों के सामने मरता
ना देख तुरंत ही अपनी बोट से उतर जो कि अनफॉर्चुनेटली पत्थर से टकराने की वजह से खराब हो चुकी थी। उस शार्क के डर से हॉस्पिटल जाने के बजे फिर से घूमकर अपने केबिन की तरफ ही आ जाते हैं, क्योंकि फिलहाल की कंडीशन को देखते हुए इससे बेटर ऑप्शन और कोई था नहीं। तो अब सीन सीधा यहाँ से चेंज होकर रात की तरफ ही फोकस करता है। पार्कर वह आज सुबह हुए शार्क के इंसिडेंट से इतना ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में जा चुका था क्योंकि अब काइंड ऑफ एक तरीके से इसकी जिंदगी हाथ के काटे जाने की वजह से समहाउ खराब हो चुकी थी। और सबसे शॉकिंग बात उसे ही शार्क ना सुबह इसकी गर्लफ्रेंड सारा को भी मार दिया था जिससे ये नेक्स्ट मंथ शादी करने वाला था। तो अब इन सभी ही बातों को देखते हुए पार्कर वह तुरंत ही अपने केबिन से बाहर निकल अपने हाथ में एक बड़ी सी मसेटी ले पानी में जाकर उस शार्क को मारने के लिए चले जाता है। लेकिन तभी ही उसी ही दौरान मैथ्यू वो कैजुअली किसी काम से केबिन के बाहर ही आया हुआ था। ये पार्कर को नदी के अंदर ऐसे जाता देख मैथ्यू वो भी इमीडिएटली नदी के अंदर भाग पार्कर को बचाने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। तो अब नदी के अंदर आते ही मैथ्यू वो बस इसके कटे हुए हाथ के मैटर के बारे में बात कर समझाते हुए बस नदी से बाहर आने के लिए ही कहता। तो तभी ही उससे पहले वो ही खतरनाक से दिखने वाली शार्क वो एकदम से तैरते हुए इन दोनों के पास ही आ जाती है, जिधर वो पार्कर के साथ साथ मैथ्यू पे भी अटैक कर उनके पेट के हिस्से को फाड़ बहुत ही अजीब ढंग से मारकर खा जाती है। लेकिन बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। सिनेप्टिक स्क्रिपी एक्सीडेंट से चेंज होकर रैंडी के ऊपर फोकस करता है जो कि वो पीटर और मैथ्यू के शार्क वाले एक्सीडेंट से बिल्कुल ही अनजान था। वो जेटसी को चलाते हुए नदी के रास्ते से होते हुए बस किसी काम से टाउन के तरफ ही जा रहा था। तो तभी ही इसी ही दौरान वो ही भयानक से दिखने वाली शार्क जिसने अभी कुछ ही देर पहले पार्कर और मैथ्यू को मारा था वो सीधे एकदम से पानी से बाहर निकल रैंडी के सर को फाड़ कर इसको भी सेम बाकियों के तले खाकर मार डालती है। तो अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में सिनेप डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग मैक्सी और उसके बॉयफ्रेंड माइकल के ऊपर फोकस करता है जो कि ये दोनों ही सोकर उठकर अचानक से अपने सभी ही दोस्तों को केबिन के अंदर ना देख बस उसे ही लेक के रूप पर आकर नॉर्मली नदी के आसपास के एरिया में इसे बारे में देखकर पता करने की कोशिश करते सोचते हुए कि वो सभी ही लोग उठकर बस लेक के पानी के अंदर स्विमिंग करने के लिए ही गए होंगे। तो तभी ही वो ही क्रीपी सी दिखने वाली शार्क जो कि अभी भी इसी ही नदी के अंदर ही मौजूद थी वो एकदम से पानी से बाहर निकल ठीक अपने सामने ही खड़े मैक्सी और माइकल के ऊपर भी अटैक कर फाइनली इन दोनों को भी सेम बाकियों की तरह खाकर मार ही डालती है। और बस हमारी ये मूवी इन सभी ही कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऐसे मरते ही जो कि वीकेंड पर पार्टी के लिए एक लेक की तरफ आए हुए थे उन सभी की मौत अनजाने में एक खतरनाक शार्क के जरिए जो कि इसी ही लेक के अंदर मौजूद थी उसके द्वारा अजीब ढंग से मरते ही ठीक इधर ही एंड हो जाती है। वेल, अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी YouTube पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। बाकी अब रही बात कि ये मूवी हिंदी में डब है कि नहीं, तो वेल एट द प्रेजेंट मोमेंट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये मूवी हिंदी में डब नहीं है, बट स्टिल इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है जिसको आपको देखकर बिना किसी परेशानी के आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वेल दोस्तों, यही थी शार्क नाइट मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।